नमस्ते, मैं जयंती और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज मैं मैंगो फ्रूटी बनाऊंगी। मैंगो फ्रूटी तो पहले बच्चों का फेवरेट हुआ करता था, बट आजकल तो हम सबका फेवरेट होता है, तो इसे हम घर में बनाएंगे। ना कोई केमिकल, ना कोई मिलावट। बाजार से तो हम लाते हैं, तो उसमें हमें पता ही है बिना केमिकल की कोई सामान बनती नहीं है, तो हम घर में इसे केमिकल फ्री बना सकते हैं और अपनी हाथों से बनाएंगे तो हमें हाइजीन भी पूरी मेंटेन करेंगे। तो चलिए आज हम मैंगो फ्रूटी बनाते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज हम देखते हैं कि मैंगो फ्रूटी कैसे बनाते हैं। मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कच्चा आम लिया है और एक पका आम। मेरे पके आम के साइज़ थोड़ा बड़े हैं। अगर आपके आम की साइज़ सेम हो तो आप एक कच्चा आम और दो पका आम ले सकते हो। तो सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसके छिनके निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ इसे अच्छी तरह से वॉश करके लिया है, तो इसके अब हम छिनके निकाल देते हैं। तो मैं पहले कच्चे आम के छिनके निकाल रही हूँ, आप जिसका चाहो उसका छिनका निकाल लो। तो ये मैंने इसके सारी छिनके निकाल लिए, अब मैं पके आम की भी छिनके निकाल देती हूँ। तो ये मैंने पके आम के भी सारे छिनके निकाल दिए हैं। अब हम अपनी सारी छिनके को हटा देते हैं। अब हमें अपने आम को छोटे पीसेस में कट करनी है। तो ये कच्चे आम को मैंने छोटे पीसेस में सारे कट कर लिए हैं। देखिए ये पूरा कट हो चुका है। मैंने इस कच्चे आम का इसकी गुठलियाँ फेंक दें और अब हम पके आम की को भी इसे छोटी पीसेस में कट कर लेते हैं। तो ये मैंने अपने सारे आम कट कर लिए। ये जो बड़े पीस रह गए हैं उसे भी हम छोटे छोटे कर लेंगे। ज़्यादा बड़े पीस हमें नहीं रखने हैं, छोटे पीस रखने हैं, तो इसने जो बड़े पीस हमारे रह गए हैं उसे छोटा कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे आम को कट कर लिया है। तो अब हम एक कुकर लेंगे और कुकर में अब हम अपनी सारी आम कच्चे और पक्के दोनों इसमें डाल देते हैं। और इसमें अब हम एक गिलास पानी डालेंगे। आपकी आम की क्वांटिटी जितनी है उस हिसाब से आप पानी डालें। तो अब हम अपनी कुकर की ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे अब हम गैस पे चलाएंगे कि अपनी गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं और इसमें 4 से 5 सीटी आने का वेट करते हैं। तब तक हम एक साइड अपनी चाशनी बना लेते हैं। तो ये मैंने एक पतीला लिया है, इसमें 1/2 कप हम चीनी डालेंगे और उसमें 1 कप हम पानी डालेंगे। 1/2 कप चीनी डालना है और 1 कप पानी डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दें। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, हमें बस चीनी को पानी में घोलना है। तो ये देखिए हमारी चीनी बिल्कुल मिक्स हो चुकी है। तो इसे हम थोड़ी देर और खोलने देंगे। देखिए ये बिल्कुल बन चुकी है, हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी, बस चीनी को पानी में घोलना है। तो हम इसे बंद कर देते हैं और कुकर को 4-5 सीटी आने देते हैं। ये देखिए हमारी चौथी सीटी आ चुकी है। तो अब हम अपनी गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और कुकर को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये देखिए कुकर थोड़ा ठंडा हो गया, इसकी विसंस निकल गई है। तो अब हम इसकी ढक्कन को खोल देंगे जिससे कि और जल्दी ठंडा हो जाए। और उधर हमारी चाशनी भी ठंडी हो चुकी है। तो ये देखिए हमारी कुकर ठंडी हो चुकी है। तो अब हम एक जार लेंगे और उसमें अपनी सारी मैंगो डाल देंगे। और ये जो हमारी पानी बच गई है इसे भी हमें फेंकना नहीं है, इसे भी हम जार में डाल देंगे। तो अब हम अपनी जार की ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे हमें ग्राइंड करनी है। देखिए इसे मैंने थोड़ा ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम अपने जो शुगर सिरप बनाए थे उसे
मैंगो में ऐड कर देते हैं, हमें पूरा नहीं डालना है, आधा डालने हैं हम। और फिर इसे बंद करके थोड़ा और हमें ग्राइंड करना है। ये पूरी अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुकी है। आप इसे एक स्पून की सहायता से चेक भी कर सकते हो कि इसमें कोई बड़ी गुठलियाँ ना रह गई हो। तो ये पूरी मिक्स हो चुकी है, तो अब हम अपनी बाकी की शुगर सिरप इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसे एक बड़े बॉल में डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी गाढ़ी है, तो हम इसमें थोड़ी पानी ऐड कर देते हैं और इसे मिक्स कर दे। इसमें पानी आप अपने हिसाब से डालना, अगर आपको ये गाढ़ी लग रही है तो इसमें और थोड़ा पानी डाल दें, अगर आपकी नॉर्मल है तो इसमें पानी मत डालें। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। इसे मिक्स मिक्स कर दे। देखिए हमारी मैंगो फ्रूटी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अब हम यहाँ सर्व करने के लिए 2 ग्लास लिए हैं, इसमें अब हम कुछ आइस क्यूब डाल देते हैं। अगर आपको इसे स्टोर करनी है तो आप एक जार में भर लें और इसे 1 वीक तक स्टोर कर सकते हो। तो अब हम अपने इसमें मैंगो फ्रूटी को मिक्स करके डाल देते हैं। ये देखिए ये कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल बाजार जैसी मैंगो फ्रूटी की तरह लग रही है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए हमारी मैंगो फ्रूटी कितनी अच्छी बनी है। आप इसे ठंडा ठंडा ही सर्व करें। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं।